संविदा नर्सिंग कर्मी उतरे आंदोलन पर, 3 महीने से नहीं मिला है वेतन, रोटी सब्जी के भी पड़ रहे हैं लाले, रक्षाबंधन पर्व की सता रही है चिंता। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों का गुस्सा आंदोलन के रूप में फूट पड़ा। नर्सिंग कर्मियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिलने से नाराज मेल और फीमेल नर्सिंग कर्मियों ने मेडिकल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके रोटियों तक के लाले पड़ रहे हैं। वो दिन रात मेहनत कर जैसे तैसे कर 14,000 रुपये के वेतन से अपना जीवन चला रहे हैं और ये वेतन भी उन्हें समय पर नहीं मिल पा रहा है। 7 तारीख को राखी का महापर्व है, ऐसे में उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। आज हम सभी यूटीपी नर्से आपातकालीन विभाग द्वारा इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि 3 महीनों से हमारी तनख्वाह नहीं आ रही है। 3 महीने से हम सभी अल्प वेतन भोगी नर्से परेशान हो रहे हैं। यही नहीं, इतनी समस्या आ रही है 3 महीने से। 3 महीने से हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहीं तो यार हमारे बिना तनख्वाह के निकल गए। अभी रक्षाबंधन पास में रहा, किसी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। रक्षाबंधन से पहले हम सभी संविदा नर्से को अपनी सैलरी चाहिए, ये हमारा हक है जो हम लेके रहेंगे। हम सब संविदा कर्मी यहाँ पे अपनी एक मुख्य मांग है, जो पिछले 3 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है। मकान मालिक किराए के लिए देखता रहता है, खाने के लिए खाना नहीं है, सब्जी लाने के पैसे नहीं है। अल्प वेतन मिलता है हमको 14,000 रुपये मिलते हैं, वो 14,000 रुपये में हम मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं और वो भी हमें समय पे नहीं मिल पा रहे, इसलिए हमें बहुत समस्या आ रही है। इस बारे में हम पूर्व में भी हमारे प्राचार्य महोदय को, अधीक्षक महोदय को, सभी को अवगत करा चुके हैं। जयपुर के चक्कर काट चुके हैं, जेब से पैसे खर्च करते जयपुर जाते हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हमारी मांग यही है कि रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले कैसे भी करके हमें वेतन दिलाया जाए। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में मुख्य समस्या जो एक्सटेंशन की वजह से वेतन हमें नहीं मिल रहा है। बिना एक्सटेंशन के मेडिकल कॉलेजों में वेतन दिया जा चुका है।